बहुत समय पहले की बात है, एक महिला थी जो कि बहुत गरीब थी। उसके पास कुछ नहीं था, बस एक गाय थी जिसका दूध बेचकर वह अपना जीवन यापन करती थी। एक दिन की बात है, उसने सोचा क्यों न कुछ दूध को बचा कर घी बनाया जाए, और जब यह बहुत ज्यादा हो जाएगा तो इसको बाजार में बेच दूंगी। फिर क्या था, उसने घी बनाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते एक दिन उसका घड़ा घी से भर गया। अगले दिन उसने सोचा कि अब इसको मैं बाजार में बेचकर अपने जरूरत के कुछ सामान ले लूंगी। बाजार उसके घर से काफी दूर था। अगले दिन वह सुबह सब काम करके अपने घी को लेकर बाजार में जाने लगी। आधे रास्ते जाते जाते वह थक गई और अपने मटके को नीचे रखकर आराम करने लगी। इतने देर में उसको नींद आ गई। वह सोई ही थी कि एक दूसरी महिला वहां आई और चुपके से उसके घी के घड़े को उठा लिया और चलने लगी। तभी सोई हुई औरत की आंख खुली और वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, मेरा घी का घड़ा कहाँ लेकर जा रही हो, यह मेरा है, इसको मुझे दे दो। दोनों औरत झगड़ने लगी और लड़ते लड़ते राजा के दरबार में जा पहुंची। राजा ने दोनों की बात सुनी और सुनकर राजा बहुत ही परेशान हो गया, क्योंकि दोनों औरत यही बोल रही थी कि घी का घड़ा उसी का है। फिर राजा ने अपना दिमाग लगाया और बोला, पास के कीचड़ में मेरी सोने की अंगूठी गिर गई है, जो पहले निकाल कर लाएगा यह घी उसका है। फिर क्या था, दोनों औरत उस अंगूठी को निकालने में लग गई। कुछ देर के बाद जब अंगूठी नहीं मिली तो राजा ने दोनों को बोला, बाहर आ जाओ। फिर दोनों को हाथ पैर धोने के लिए एक लोटा पानी दिया गया। जिस औरत का घी था उसने कम पानी में ही अपने हाथ पैर धो लिए, लेकिन जो दूसरी औरत थी वो सिर्फ हाथ धोए और राजा से बोली, पानी और चाहिए, इतने में क्या होगा। इतने में राजा समझ गया कि इतना घी यह औरत कभी भी नहीं बना सकती। फिर राजा ने घी उसी औरत को दे दिया जिसका वह था और उस औरत को सजा देने का आदेश दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि छल और कपट से आगे नहीं बढ़ा जा सकता। अगर आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।